जिस तरीके से गरीबी और लाचारी में वहां पे लोग बाग पड़े हैं, आपको देखना होगा और आवाज उठानी होगी। आज क्यों याद है आपको? आज आपको याद आ रही है उनकी? आज चुनाव करीब है, आज नेताजी चुनाव करीब है, तो आज आपको याद आ रही है उनकी? देखिए, आज 2022 विधानसभा चुनाव तैयार है, आम आदमी पार्टी से कलियर विधानसभा से आप प्रबल दावेदार हैं, आपको जनता क्यों चुनेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ पे पर जो रोड बनी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रोड है। ना पानी के लिए नालियां हैं यहाँ पर, ना रोड पे अंदर कितनी गंदगी है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा है, सामने कूड़ा पड़ा हुआ है। ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी बदबू है यहाँ पर बेइंतहा। क्या है कि जो सफाई व्यवस्था है पूरे किरान क्लियर के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आज जो शिक्षा के लिए जो बच्चे स्कूलों में आते हैं, जो बच्चे जहाँ पे रुड़की से रियाज कुरैशी, आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं दैनिक रुड़की। दैनिक रुड़की में आज हम लोग कलियर विधानसभा में खड़े हैं, जो कि दो बार के विधायक हाजी फुरकान अहमद है, उनके द्वारा यहां पर कितना विकास कराया कितना नहीं, आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा कलियर के प्रभारी हमारे साथ इंजीनियर शादाब जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। शादाब जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत स्वागत है। आप सभी का भी साहब स्वागत है। आज आपका जो निरीक्षण किया गया, किस तरह का निरीक्षण है आंगनबाड़ी केंद्रों में? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में हम यहाँ पे आए हुए थे, तो कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की कि साहब यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं दो बार के और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका घर है। ये घर में तो कोई भी आदमी हो साफ सफाई रखता है, मगर जो आदमी घर में साफ सफाई नहीं रख सकता वो बाहर क्या करेगा। पूरी पीरान क्लियर की उनको जिम्मेदारी है, और खुद रामपुर क्षेत्र में जहाँ पे उनका घर है, लोग बाग परेशान है, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने निरीक्षण किया है, कूड़ा सारी गंदगी यहाँ पर है। आंगनवाड़ी केंद्र काफी समय से यहाँ पे बंद पड़ा है। लोगों का ये कहना है यहाँ पर कि आंगनवाड़ी केंद्र कागजों में चल रहा है, जो यहाँ पे खाना बच्चों के लिए आता है वो भी सारा बट रहा है, मगर धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे सिर्फ गंदगी है और समस्याएं हैं। आज 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है, चुनाव आयोग सत्र हो चुका है। आज आपको अचानक कैसी याद आई इसकी, विधानसभा की, इस तरह की घूमने की? देखिए, आम आदमी पार्टी ने मुझे विधानसभा प्रभारी घोषित किया है लगभग 2 महीने पहले से। मैं पूरी विधानसभा में जाके सर्वे कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, हमारे लोग घर घर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, और धीरे धीरे जाकर धीरे धीरे समस्याएं पता चल रही हैं। नहीं, विधानसभा चुनाव करीब है, आप धीरे धीरे चलोगे तो चुनाव कैसे लड़ोगे? आपकी चुनाव की भी तैयारी है यहाँ से? देखिए साहब, चुनाव अलग चीज़ है, लोगों की समस्याएं अलग चीज़ हैं। सबसे पहले तो समस्याएं जानना जरूरी है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर रोजगार को लेकर समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली को लेकर समस्याएं हों, तो सारे मुद्दों पर काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम प्रदेश में 300 यूनिट फ्री देंगे, अब जबकि केंद्र सरकार ने परसों एक ऐलान किया कि बिजली और कोयला उस पर संकट भारी है, तो आप किस तरह से बिजली फ्री देंगे यहाँ विधानसभा चुनाव में? मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे इंडिया आता है हमारा, कोयले के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कोल कंपनी है वो इंडिया की नंबर वन कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी कहेंगे हम। कोयला यहाँ से हम लोगों को देते हैं, तो यहाँ पे संकट कैसे आ सकता है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है अपना पैसे कमाने का और लोगों में तेजी लाने का। अब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ मैं, आज से जब पहले लॉकडाउन नहीं लगा था, लगभग फरवरी के टाइम में, तो लोहा था 55 रुपये किलो, 60 रुपये किलो मान लीजिए, आज के टाइम में लोहा 70 रुपये को पार कर रहा है। तो ये क्यों समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से समस्याएं आ रही हैं, कभी किसी ने विचार किया है? जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो सरिया में 55 रुपये किलो मिलता था, आज वो 70-75 रुपये किलो मिल रहा है। जो सीमेंट का कट्टा हमें 320 रुपये मिलता था, आज वो 420 रुपये मिल रहा है। तो ये आम आदमी की और आम जनता की तो समस्याएं हैं, इसे कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इन चीज़ों को देखेगा? सरकारें तो सो रही हैं, मंत्री जी अपना आराम से बैठे हैं, विधायक जी अपना आराम से बैठे हैं, तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। 2022 विधानसभा चुनाव तैयार है, आम आदमी पार्टी से कलियर विधानसभा से आप प्रबल दावेदार हैं, आपको जनता क्यों चुनेगी? देखिए साहब, मैं ये कहूंगा जनता से, स्पेशली पीरान कलियर जनता से या पूरे उत्तराखंड की जनता से, कि आपको उसको चुनना है जो आपके लिए खड़ा हो। 10 साल से फुरकान विधायक लगातार विकास की ओर हैं, ये जनता बताएगी, हम जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन आपके एजेंडे क्या रहेंगे? देखिए साहब, पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे सेम एजेंडे हैं। सबसे पहले हमने सेम जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहला वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए बिजली फ्री।
ये हमारा सबसे पहला वादा था। उसके अलावा दूसरा वादा हमारा केजरीवाल साहब ने किया है, बेरोजगारों को, जितने बेरोजगार हैं, 5,000 रुपये भत्ता। उसके अलावा 80% कोटा नौकरियों में होगा, जो पूरे उत्तराखंडी हैं, जितने उत्तराखंड वासी हैं। ये वादे सिर्फ चुनाव में क्यों होते हैं? देखिए साहब, चुनाव में वादे तो और भी करते हैं, हम तो लिखित में सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं साहब। लिखित तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं साहब? हम कार्ड बना के दे रहे हैं, हमने 300 यूनिट बिजली का कार्ड बना के दिया है। और अब वो आपका सदस्यता अभियान है मेरे ख्याल से? नहीं साहब, सदस्यता अभियान नहीं है बिल्कुल भी, हम लिख के दे रहे हैं। हम दिल्ली में जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। दिल्ली में और उत्तराखंड राज्य में बड़ा अंतर है, यहाँ की जनसंख्या में, वहाँ की जनसंख्या में अंतर है, ये आप भी मानते हैं और प्रदेश के जो और नेता हैं वो भी मानते हैं? नहीं साहब, दिल्ली से ज़्यादा उत्तराखंड की पूरी विधानसभा और एक छोटी सी एक विधानसभा दिल्ली की बराबर है या नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है जनसंख्या, जनसंख्या का अंतर है नेताजी, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं आपको बता दूँ साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए लोग आते हैं। क्या दिल्ली के अंदर चारधाम यात्रा के लिए लोग जाते हैं? जो यहाँ पे हरिद्वार है, जहाँ पे हर की पैड़ी है, जहाँ पे पूरे विश्व भर के श्रद्धालु आते हैं, क्या दिल्ली के अंदर ये चीज़ है? यहाँ पे जो पीरान कलिया शरीफ का मज़ार है, जो दरगाह है साबिर पाक की, क्या कहीं और इस तरीके की पूरे उत्तराखंड के अंदर दरगाह है? आप दरगाह की बात करते हैं, मैं दरगाह के मुद्दे पे आता हूँ। 753वां उर्स चल रहा है, लगातार सूफी संत मलंग प्रदर्शन कर रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है इस मुद्दे पर? देखिए, आम आदमी पार्टी सबके साथ है। सूफी नहीं, आप कहीं दिखे ही नहीं बिल्कुल भी किसी प्रदर्शन में नजर। अभी लंगर खाने के लेकर मुद्दा पर उठाया है, ठेकेदार को ठेके के लेकर मुद्दा उठाया है, आम आदमी ने कौन सी आवाज उठाई है? एक शब्द बताइए। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठ रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं आपको ही नहीं देता हूँ आपको। हमने अभी जैसे रैन बसेरा बंद पड़ा था वहां पर पीरान कलियर में, तो हमने रैन बसेरे को खुलवाने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया था, मैं आपको बता दूं। और आज भी मैं आपको बता देता हूं, पीरान कलियर के अंदर आप जाके देखिए, आप जितने पत्रकार बंधु खड़े हैं और जितनी जनता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार रात के 12 बजे वहां पर जाके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिस तरीके से गरीबी और लाचारी में वहां पर लोग बाग पड़े हैं, आपको देखना होगा और आवाज उठानी होगी। आज क्यों याद है आपको? आज आपको याद आ रही है उनकी? आज चुनाव करीब है, आज नेताजी चुनाव करीब है, तो आज आपको याद आ रही है उनकी? देखिए, आज आगाज तो किसी ना किसी दिन से होता है, चाहे वो आज से हो या कल से हो। ये थे हमारा इंजीनियर शादाब भाई, इनका कहना है कि हम लगातार संघर्ष करेंगे और आम आदमी पार्टी का चुनाव जिताकर यहाँ से विकास करेंगे। मैं दैनिक रुड़की से कैमरामैन साथी के साथ रियाज कुरैशी।